अच्छा, आज का टॉपिक है ट्रायंगल, क्लास 10 का चैप्टर 4 है ना? सिक्स है। हाँ सॉरी, चैप्टर 6 है। तो ट्रायंगल आज का विषय हम लोग पढ़ेंगे। ट्रायंगल के बारे में ट्रायंगल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पीछे वाले क्लास जो छोटे छोटे क्लास हैं उन सब में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। ट्रायंगल कहते किसको हैं? तो सब लोग जानते हैं कि तीन साइड से जो घिरा हुआ आकृति होता है उसको ट्रायंगल कहते हैं। हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, वहीं से शुरू करेंगे। कंग्रुएंट फिगर, कंग्रुएंट फिगर किसको कहते हैं? तो टू फिगर्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। मतलब दो फिगर को हम लोग कंग्रुएंट तभी कहेंगे जब उसके शेप और साइज दोनों सेम हो। ये बहुत मायने रखता है, इस पर जोर दिया जा रहा है, शेप और साइज पर। तो दोनों का शेप और साइज सेम अगर होगा तो ही वो कंग्रुएंट होगा। जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं पीछे कि अगर जैसे एक ट्रायंगल हमने एबीसी लिया, एक ट्रायंगल हमने डीईएफ लिया, ये दोनों कंग्रुएंट हैं। अगर कंग्रुएंट हैं तो क्या होगा? इसका मतलब है कि इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी ई, बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ई एफ और ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी एफ, ये इक्वल है। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, जो हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये वाला एंगल अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है तो ये इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो हमने यहाँ लिखा है एंगल ए। हाँ, तो यहाँ पर जो एंगल है हमने लिखा हुआ है एंगल ए, जो कॉरेस्पॉन्डिंग उसके डी है वो इक्वल है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ई इक्वल है, एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एफ इक्वल है। मतलब कहने का कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है। और हम लोग पिछले क्लास में कंडीशन भी पढ़े हुए हैं कंग्रुएंसी का, कि दो ट्रायंगल कब कंग्रुएंट होते हैं। उसके लिए हमारे पास कंडीशन था एस एस एस, एस एस, ए एस ए, या इसी को ए एस दूसरे रूप में पढ़ते थे, आर एच एस कंग्रुएंसी वगैरह, ये सब हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। और हम लोग आते हैं, पहले हम लोगों को जो पढ़ना है वो सिमिलर फिगर पढ़ना है, सिमिलर फिगर पढ़ना है। लेकिन इस सिमिलर फिगर को पढ़ने से या समझने से पहले हम आएंगे, ये समझेंगे कि शेप और साइज, जो हमने पीछे भी जोर दिया था इस बात पर कि शेप क्या है और साइज क्या है। तो हम लोग जानते हैं शेप जो है या तो ये ट्रेंगुलर होगा, सर्कुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, ये सब जो है वो शेप के नाम है। इसमें से किसी भी आकार का होगा वो उसका शेप होगा। और साइज का मतलब उसका डायमेंशन क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, या कोई ट्रायंगल है तो उसका साइड कितना है, वो उसका साइज होता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि शेप किसको कहेंगे और साइज किसको कहेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर बनाया हुआ है जो 4-4-4 सेंटीमीटर साइड का है, एक दूसरा बनाया हुआ जो 2-2 सेंटीमीटर साइड का है। अब इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी सी और डी ई एफ, इस दोनों का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसमें सेम शेप है। मतलब दोनों का सेम शेप है इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन साइज दोनों का डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो साइड है वो 4-4 सेंटीमीटर का है और इसका जो साइड है वो 2-2 सेंटीमीटर का है। तो दोनों का साइज अलग है लेकिन यहाँ शेप सेम है। इसी को शेप और साइज को समझने के लिए हमने एक या आपको छोटा सा टॉपिक दे करके समझा दिया है। अब आते हैं सिमिलर फिगर के लिए। सिमिलर फिगर ये हमको पढ़ना है, सिमिलर फिगर किसको कहेंगे? तो दो फिगर, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, दो फिगर सिमिलर कहे जाएंगे इफ़ दे हैव सेम शेप एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज। यहाँ पर एक वर्ड है नॉट नेसेसरली, मतलब कोई आवश्यक नहीं है कि साइज उसका सेम ही होना चाहिए, लेकिन आवश्यक क्या है? आवश्यक है कि सेम शेप होना चाहिए। तो शेप निश्चित रूप से एक जैसा होना चाहिए, लेकिन साइज उसका छोटा बड़ा या बराबर हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है नॉट नेसेसरली द सेम साइज। और जो सिमिलरिटी का जो इंडिकेशन होता है वो ऐसे इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, ये वाला जो है वो सिमिलरिटी का सिंबल है, इस सिंबल से हम लोग दिखाते हैं। कैसे हम लोग समझे कि भाई कैसे डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं सिमिलर फिगर कैसा? जैसे एक आदमी है और उस आदमी का फोटो है,
छोटे साइज में, पासपोर्ट साइज में, फलाने साइज में, किसी भी साइज में, तो वो आदमी और उसका फोटो क्या है, वो सिमिलर फिगर है। आप ताजमहल देखे होंगे और ताजमहल का एक मॉडल है, तो कहाँ ताजमहल और कहाँ मॉडल बिल्कुल एक जैसा दिखता है लेकिन उसका साइज अलग अलग है, तो ये भी कहेंगे सिमिलर फिगर है। दुनिया का कोई भी सर्कल होगा वो निश्चित रूप से सिमिलर होगा, दुनिया का कोई भी मतलब एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर, दुनिया का कोई भी दोनों होगा तो। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा वो भी निश्चित रूप से होगा, अगर कोई स्क्वायर होगा ये भी दोनों निश्चित रूप से सिमिलर होगा, ऐसे ही कोई सा भी रेगुलर पॉलीगन, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन था इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है स्क्वायर, ऐसे ही पेंटागन है, हेक्सागन है, जो भी रेगुलर है वो सब के सब आपस में सिमिलर होंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, इस ट्रायंगल को जूम करो, ट्रायंगल को इसका जो साइज है 2, 3, 4 और एक का साइज है 1, 1.5 एंड 2, दोनों दिखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर होने का कारण क्या है कि इसका जो ए बी साइड है और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वाई साइड है, इस दोनों का रेशियो 2:1 है। अगर ए सी के सिमिलर जो एक्स जेड है इसका जो रेशियो है 4:2, दैट इज 2:1, मतलब इसको काट देंगे 4/2 को तो 2/1 आएगा, 2:1। ऐसे इसका 3/1.5 इसको भी काटेंगे तो 2:1, मतलब सबका जो रेशियो है वो सेम है 2:1, 2:1, 2:1। तो इसका जो कोरस्पोंडिंग साइड है उसका तो हो गया बिल्कुल प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन एंगल जितने हैं इसके, ये कोरस्पोंडिंग ए के जो कोरस्पोंडिंग एंगल एक्स है ये 70 तो ये 70 है, ये 80 तो ये 80 है, ये 50 तो ये 50 है, मतलब सिमिलर होने के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि इसके जो साइड्स हैं वो बेशक प्रोपोर्शनल हो लेकिन एंगल इक्वल होने चाहिए, कोरस्पोंडिंग एंगल, जैसे दूसरे में भी हमने बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 4 है, सबका 2:1 है रेशियो, इसमें भी 2:1 है, और एंगल का देखें तो एंगल सेम है सब में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग एक नतीजा पर पहुँचे इसको देख करके कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये नहीं कि एक पॉलीगन का साइड 5 वो हो, 5 साइड्स वाला हो और एक 6 साइड्स वाला, नहीं, सेम नंबर ऑफ साइड्स वाले पॉलीगन अगर होंगे दो पॉलीगन तो वो सिमिलर कहे जाएंगे यदि देयर कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, दैट इज प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए या सेम रेशियो में होना चाहिए, तो ही ये क्या होगा, हाँ, पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे सिमिलरिटी के बारे में उसके आधार पर एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं, बस मिनट भर का काम है, उससे ज़्यादा का है नहीं। इसमें देखिए लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, ऑल सर्कल्स आर, तो जितने भी दुनिया के सर्कल हैं मैंने कहा था कि वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो ये सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर, वो भी मैंने बताया था सिमिलर होता है तो सिमिलर होगा, और जितने भी दुनिया के इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सिमिलर होते हैं, और ये टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अच्छा, सिमिलर फिगर का यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में कहता है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर का आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, आपको बहुत पीछे हमने दिया हुआ था, नॉन सिमिलर फिगर का भी दे सकते हैं। इस दोनों फिगर के बारे में पूछ रहा है कि ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेंट सिमिलर है या नहीं है, तो ये देखिए इसका जो साइड है, साइड तो प्रोपोर्शनल है क्योंकि सब 1:2 के रेशियो में है, लेकिन इसके एंगल्स इक्वल नहीं हैं, इसीलिए ये दोनों सिमिलर नहीं है। बस अब आगे